नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं महाखबर। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें। दिल्ली के तिहाड़ जेल में हाल ही में गैंगस्टर तिल्लू ताजपुरिया की हत्या हो गई थी। इस हत्याकांड के बाद जेल प्रशासन को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब तिहाड़ प्रशासन ने इसका समाधान खोज लिया है। तिहाड़ जेल में अब ऐसे हथियार खरीदे जा रहे हैं जिससे कैदी की जान को खतरा नहीं होगा, लेकिन इससे बिजली के झटके निकलते हैं जिससे कैदी कुछ देर के लिए बेहोश हो जाएगा। इस तरह की बंदूकों का इस्तेमाल विदेशों में पुलिस करती है। अब भारत की सबसे बड़ी जेल में भी शरारती कैदियों से निपटने के लिए इसका इस्तेमाल होने जा रहा है। करंट वाली बंदूकों के अलावा जेल प्रशासन अपराधियों और गैंगस्टरों को कंट्रोल करने के लिए एक मिर्ची वाला स्प्रे भी खरीदने के मूड में है। दुनिया भर के जेलों में कैदियों को कंट्रोल करने के लिए इन तरह के हथियारों का इस्तेमाल होता रहा है। इन हथियारों को टसर और स्टन गन कहा जाता है। इन हथियारों से कैदियों को कोई गंभीर चोट नहीं पहुंचती, लेकिन बिजली के झटकों की वजह से उन्हें रोका जा सकता है। कितने हथियार खरीदे जाएंगे, यह बड़ा सवाल है। जेल अधिकारियों के मुताबिक वे पहले चरण में 3 जेल परिसरों के लिए 80 इलेक्ट्रिक शॉक बैटन खरीदेंगे। इसी तरह से वो 160 फुल बॉडी प्रोडक्ट, 80 चिली स्प्रे और 160 टी बैटन भी खरीदेंगे। एक अधिकारी ने कहा कि हमने 15 दिन पहले संबंधित अथॉरिटी के पास प्रस्ताव भेजा था। उन्होंने यह भी कहा है कि 160 पॉलीकार्बोनेट स्टिक, शील्ड और हेलमेट खरीदने हैं। अधिकारी ने कहा कि हथियारों की खरीद जल्दी हो जाएगी। इसके बाद जेल परिसरों की क्षमता के अनुसार इसे कर्मचारियों और QRT सदस्यों को दिया जाएगा। बिहार में टेसर की बेहद जरूरत है। एक रिपोर्ट के अनुसार 6 मई को इस तरह के हथियारों की जरूरत को बताया गया था। रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली सरकार के जेल प्रहरियों के लिए कैदियों को कंट्रोल करने के वास्ते टेसर की खरीद को मंजूरी देनी चाहिए। जेल अधिकारियों ने कहा है कि जेलों में कानून और व्यवस्था सुनिश्चित करने में टेसर एक गेम चेंजर हो सकता है। ऐसे अपराधियों को पकड़ने में बेहद मदद होगा। कई बार 6-7 कैदी दोनों पक्षों से लड़ाई में शामिल होते हैं। बंदूक के बिना उन्हें कंट्रोल करना आसान नहीं होता। टेसर क्या होता है ये समझ लेते हैं। टेसर एक प्रकार का हाथ से चलने वाला हथियार है जो शरीर में बिजली का झटका पैदा करता है। विज्ञान की भाषा में कहें तो इसे ट्रिगर कहा जाता है। जब इसे ट्रिगर किया जाता है तो नाइट्रोजन चार्ज दो छोटे डार्ट जैसे इलेक्ट्रोड को एक्टिव कर देते हैं। ये तारों के माध्यम से टेसर से जुड़े होते हैं और इस प्रक्रिया के बाद बिजली के झटके पैदा होते हैं। ये झटके इतने तेज होते हैं कि कैदी के शरीर में ऐठन महसूस होगी और वो जमीन पर बैठने पर मजबूर हो जाएगा। कई बार इसकी मदद से कैदी को बेहोश भी किया जा सकता है, लेकिन इन झटकों से उसकी जान को कोई खतरा नहीं होता। कई अदालतों ने टेसर को सही है। टेसर का इस्तेमाल आमतौर पर विदेशी जेलों में होता है। कई देशों में अदालतों ने भी कैदियों को कंट्रोल करने के लिए टेसर के इस्तेमाल को सही ठहराया है। दरअसल जेल में कैदियों के दो गुटों के आपस में झगड़ा होना बेहद आम है। कई बार ये झगड़े बेहद गंभीर हो जाते हैं। ऐसे में सुरक्षा कर्मियों को हथियार उठाने के लिए मजबूर होना पड़ता है, लेकिन टेसर के इस्तेमाल से बिना कैदियों को नुकसान पहुंचाए उनसे निपटा जा सकता है। अधिकारियों ने कहा है कि टेसर के इस्तेमाल से कर्मचारियों के साथ साथ अन्य कैदियों की जान बचाने की क्षमता है। अगर विवेकपूर्ण तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाए तो सुरक्षा कर्मी कैदियों के घायल होने या मारे जाने की घटनाओं को कम कर सकते हैं।